अभी ये अपने इनके साथ जो इनके साथ चलते हैं बड़े अधिकारी और इनकी पत्नी, ये सब एक हेलीकॉप्टर से और ऐसे हेलीकॉप्टर से जो बहुत अच्छा माना जाता था। तमिलनाडु के हादसे में जनरल बिपिन रावत का असामयिक निधन हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं काशीराम में स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्कूल के छात्रों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूल के बच्चों और स्टाफ को स्कूल के प्रधानाचार्य ने जनरल बिपिन रावत के अच्छे कामों से अवगत कराया। इस दौरान नम आंखों से सभी शहीदों को याद किया गया। श्रद्धांजलि अर्पण में विद्यालय के डायरेक्टर विनय कुमार मित्तल, प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह, नितेश कुमार, सुदर्शन अनिल कुमार, ममता रानी, शांतनु मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर था जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं थी किसी तरह की, कोई खराबी आने की, डबल इंजन था सब, लेकिन फिर भी किसी कारण से उस हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया। आप टीवी देखते हैं? नहीं देखते हैं? यस सर। देखा किसी ने टीवी में? है? और उसमें कितने मेंबर थे? 14। कितने थे? 14। गुड। और कितनों की डेथ हुई? राजीपुर एक बच्चे, उनका अभी इलाज चल रहा है और अब उन्हें बेंगलोर शिफ्ट कर दिया है। वरुण उनका नाम है, वरुण सिंह जो एक बच्चे। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए जाने जाते थे, खासकर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर उनके नेतृत्व में कई सफल आतंकी ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। ये नहीं, सर्जिकल व एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन भी उनकी देखरेख में हुए।